يلا ये है ना अकेडमीज इन लाहौर, यही बोला था ना मैंने। हाँ जी सर। अब इसके नाम पे क्लिक करो। अब जैसे ही इसके नाम पे क्लिक करोगे तो ये क्या लिखा है? कॉन्टेक्ट नंबर है। ठीक है सर। हाँ ये आगे उनका एड्रेस भी है। ठीक है, अगर आपको वो कहते हैं कि आके मिल लें, मीटिंग कर लें, तो उनसे कहें जूम मीटिंग पे आ जाएं। ये हमारा काम है, ये सैंपल है। ठीक है, हम आपको एक दो डिजाइन फ्री बना देंगे, इस तरह बात कर लें, प्रोजेक्ट बस ग्रैब करें किसी ना किसी तरीके से। क्योंकि अभी ना, अभी आपका चल रहा है प्रैक्टिस वाला फेज, तो अगर प्रैक्टिस करते हुए कम रेट्स के ऊपर भी आप ऑफर करते हैं ना कोई चीज, तो वो जबरदस्त है, आपका वही वाला क्लाइंट फिर आपको ज्यादा भी पे करेगा। ठीक है, अच्छा अब हम फाइवर की तरफ आते हैं जी। पहले नंबर पे ये चीज के फाइवर क्या है, फाइवर क्या होता है, ठीक है, इसके बारे में बता देते हैं। आप दो तरह से डिजाइनिंग का काम करते हैं इंटरनेशनल मार्केट में, पहली चीज है फाइवर, दूसरी चीज है अपवर्क। ठीक है, फाइवर क्या है? फाइवर में आपने एक दुकान बनानी है, जैसे आप एक मॉल में जाते हैं, उस मॉल में जाकर आप देखते हैं कि बाहर तो मेन एंट्रेंस, जैसे इम्पोरियम मॉल है, इम्पोरियम मॉल में आप चले गए या पैकेजेस में चले गए, और उधर आपने देखा कि इस मॉल के अंदर हमारे पास डिफरेंट वैरायटीज हैं। ठीक है, क्या आपको दुकान के आगे से गुजरते हुए कभी लोगों ने रोका है, बड़ी बड़ी दुकानों वालों ने, कि आके ये खरीदें? अगर आप लोकल मार्केट्स में जाएंगे ना, वहां पे आपको आवाजें भी पड़ेंगी कि बाजी आइयो, कि भाई जी आइयो। आपको कभी भी अच्छे मॉल के अंदर अच्छे ब्रांड, जैसे खाटी के आगे से आप गुजरे हैं, खाटी वालों ने क्या हो आयो आयो धन सूट दिए, इस तरह नहीं होता। वो लोग क्या करते हैं, अपने सैंपल्स, अपने सैंपल्स डिस्प्ले करते हैं। ठीक है, और सेम चीज ऐसे ही फाइबर है, फाइबर के ऊपर आप अपनी दुकान बनाते हैं, उस दुकान में आपके पास पांच शेल्फ्स हैं, पांच खाने हैं आपके पास, पांच समझ लें कि गिग्स हैं, जिसको गिग्स कहते हैं। मसलन आपको एक जगह मिली, उस जगह के अंदर उन्होंने कहा कि ये पांच अलमारी हैं, बस दैट्स इट, हर बंदे को इक्वल हम ये दे रहे हैं, पांच पांच। ठीक है, मिसाल मिसाल दे रहा हूँ, पांच हो गई या दस हो गई, इन पांच काउंटर्स के ऊपर आपका डिस्प्ले लगेगा। ठीक है, आप सबसे पहले एक फील्ड चूज करेंगे, आपने कहा जी मैं डिजाइनर, उन्होंने कहा ठीक है ओके। डिजाइनिंग के अंदर अगर हम जाते हैं तो डिजाइनिंग के अंदर कितनी चीजें हैं, कितने डिपार्टमेंट्स हैं? अब आपके सामने ये नजर आ रहे होंगे, आपको ये चीजें देख लें, तो ये आप देखें कि डिजाइनिंग के अंदर हमारे पास लोगो, ब्रांड आइडेंटिटी, गेमिंग आर्ट, आर्ट एंड इलस्ट्रेशंस, वेब एंड ऐप डिजाइन। अब देखें, मैंने आपको अगर 20 चीजें बताई कि ये भी बनाई, ये भी बनाई, ये भी बनाए, आपको मजा आता है लोगो बनाने में, आप अपनी ग्राफिक डिजाइनिंग की दुकान के अंदर पहली प्रोडक्ट रख दें लोगो, आपको मजा आ रहा है विजिटिंग कार्ड डिजाइन करने में, आप दूसरी प्रोडक्ट रख दें विजिटिंग कार्ड, आपको मजा आ रहा है सीवी का कवर लेटर डिजाइन करने में, आप अपनी शेल्फ के ऊपर सीवी के सैंपल्स रख दें। ठीक है, आपको अच्छा लग रहा है पोस्टर बनाना सोशल मीडिया मार्केटिंग या फेसबुक इंस्टाग्राम पे, तो आप चौथी दुकान बना लेंगे पोस्टर की। आपको मजा आ रहा है मॉकअप सिर्फ बनाने का, सिर्फ मॉकअप्स बनाने का, आप पांचवी उसकी बना दें। आपको मजा आ रहा है कि आप कहते हैं कि मुझे सिर्फ और सिर्फ बुक कवर डिजाइन करने का जो काम है ना, वो बड़ा अच्छा लगता है, आप सातवीं दुकान उसकी बना दें। आपको मजा आता है टोपोग्राफी करने का, ये आपके सामने सारी फील्ड्स हैं, आपको मजा आ रहा है ईमेल डिजाइन का
आपको यूएक्स डिजाइन करना आ रहा है, आपको फोटोशॉप में सिर्फ बैकग्राउंड रिमूव करने पे कमांड अच्छी है, ठीक है, ये सारी चीजें करना बेवकूफी है, ये सारा कुछ। इसमें से आप कोई सी टॉप फाइव चीजों के अंदर हाथ सेट कर लें अपना, ठीक है, कोई सी टॉप फाइव जो आपको अच्छी लग रही है, ठीक है ना। जैसे इसकी आसान सी मिसाल आपको मैं देता हूँ, बिल्कुल आसान सी, आपको समझ आ जाएगी, ठीक है जी। और वो मिसाल ये है, मिसाल ही मेरे जहन से निकल गई, क्या कहने लगा था, चले जेन में आता तो बताता हूँ। आप सबसे पहले चूज कर लेंगे कि आपने करना क्या है, ऑब्वियसली ग्राफिक डिजाइनिंग के अंदर जाना है, ठीक है। अब आप में कोई ऐसे पढ़े लिखे लोग हैं जिनकी इंग्लिश बड़ी अच्छी है, वो एक दफा राइटिंग एंड ट्रांसलेशन की तरफ भी मूव करें। और इसमें फाइवर एक चीज बताता है कि ये न्यू न्यू लिखा आ रहा है, न्यू न्यू, ये नई नई चीजें इंट्रोड्यूस होती हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल जॉब डिस्क्रिप्शन लिखवाना भी एक आर्ट है। एक बंदा जॉब कर रहा है, उसने अपनी सीवी के अंदर फर्स्ट जॉब जो उसकी करंट जा रही है उसका जॉब डिस्क्रिप्शन लिखवाना है, ठीक है, उसको अच्छा बंदा नहीं मिल रहा अंग्रेजी वाला या जो काम यही करता है स्पेसिफिकली, तो वो यहाँ पे जाएगा जॉब डिस्क्रिप्शन में। और इधर से उसके टॉप या लेवल 1, 2, 3 सेलर वो चूज करेगा, जैसे ये कह रहा है जी आई विल राइट यू अ यूनिक जॉब डिस्क्रिप्शन एंड एडवर्ड, ठीक है, ये कह रहा है आई विल राइट अ डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन फॉर योर जॉब पोस्टिंग, ठीक है, ये कह रहा है जी आई विल राइट अ प्रोफेशनल जॉब डिस्क्रिप्शन दैट अट्रैक्ट्स योर डील। नीचे उनके रेट्स हैं, आपको अच्छा लगा कि यार ये बंदा जो है इसकी दुकान में इसकी जो रेटिंग है वो 5 स्टार है और इसने 14 ऑर्डर कंप्लीट किए हैं, ये जो बंदा है या बंदी है इसने 94 ऑर्डर कंप्लीट किए हैं और इसकी जो रेटिंग आ रही है वो ये है। इट इज जस्ट लाइक इन ड्राइवर, ठीक है, आपने इन ड्राइवर पे राइड बुक की है और आपने कहा कि मैंने इतने में काम करवाना है या इतने में मैं जाऊंगी यहाँ पे, और आपने ओके कर दिया। अब इन ड्राइवर वाला आपको ऑप्शंस देता है कि ये वाला ड्राइवर है, ये वाला ड्राइवर है, आप किसको ओके करेंगे, जिसके रिव्यूज अच्छे हैं या जिसने ज्यादा राइड्स उतारी हैं और जिसकी आपको कभी कभी यूं होता है कि शक्ल अच्छी लग रही होती है कि इसके साथ ही जाना है, ठीक है, या ये वाली गाड़ी में जाना है। ये इसी तरह है, लोग जब आते हैं ना आपकी दुकान को देखते हैं कि आपकी दुकान किस तरह की लग रही है। अब एक बंदा है, ये बंदा जैसे, ठीक है, आपको इसकी शक्ल अच्छी नहीं लग रही, फॉर एग्जाम्पल आपने कहा मैंने इससे कराने नहीं है, ये लड़की अच्छी है ये वाली, या इससे करवाना मैंने, तो आपके जो कवर लेटर्स है ना वो बहुत ज्यादा इम्पेक्ट करते हैं इस चीज के ऊपर। यानी ये जो आपने सैंपल्स लगाने हैं अपनी दुकान के अंदर, ये सैंपल्स मैटर्स अ लॉट, ठीक है, ये अच्छे होने चाहिए, लाइक आई लाइक दिस वन, ठीक है, और प्रोफेशनल वाले देखें, क्योंकि जो जितनी सफाई के साथ अपने आप को प्रेजेंट कर रहा है ऑब्वियसली ही और शी विल डू द वर्क एग्जैक्टली एज पर योर नीड, ठीक है, तो आप उसको देखें कि किस बंदे को चूज करना है अपने काम के लिए, ठीक है। इसी तरह लोग जब आपको सर्च करेंगे वो इसी तरह से आपको देख रहे होंगे, आपकी दुकान को देखेंगे। अब यहां पर मैं जाता हूं, अगर फॉर एग्जाम्पल मुझे सीवी में चला जाता हूँ, सीवी में ये मेरा सबसे फेवरेट गिग है, सीवी कहाँ गया, गेमिंग लोगो ब्रांडिंग मार्केटिंग पैकेजिंग फैशन आर्किटेक्ट, रिज्यूमे आ रहा होगा कहीं ना कहीं, सर विजुअल डिजाइन पे लास्ट पे है रिज्यूम डिजाइन, टेम्पलेट उठाना है और उठा के बस उसमें डेटा डाल देना और लाओ भी 10 डॉलर, ठीक है। ये देखो यहाँ पे एक बंदा है, ये भी बता रहा हूँ सस्ते वाले डिजाइनर, ये सामने आपके जो आ रहे हैं जिसने अभी, ये बंदा, इसने 1000+ ऑर्डर कंप्लीट किए हैं, ठीक है, ये 33 इसने किए हैं, इसने 447 32, ठीक है, ये खुल गया जी। अब इस बंदे ने देखे किस तरह से अपना कवर लेटर बनाया हुआ है, ये आप लोगों ने भी बनाना है,
इसको वो कहते हैं कि मुंह चुप के सीधा सीधा आप अपना काम नहीं डाल देंगे, थोड़ा सा उसको ब्यूटीफाई करेंगे, ठीक है। ये इसी तरह से है कि जैसे आप लोग शादी या किसी इवेंट पे जाते हैं तो उसी तरीके से नहीं उठ के चले जाते जिस तरह आप घरों पे बैठे होते हैं, तो थोड़ा सा अपने काम को भी रेडी करके प्रेजेंट करना है। ये देखें, ये मॉकअप है, मॉकअप आपको फोटोशॉप में बताया किस तरह बनता है। तीन चार डिजाइन का यूं लगा लें, और सैंपल देखें इसके, और सैंपल देखें। अब ये बंदा आपको कह रहा है ये बंदा आपको कह रहा है कि मैं ना आपको अपना बेसिक पैकेज है वो दूंगा बना के 2468 रुपए में, और एक दिन में डिलीवर करूंगा और तीन रिवीजन करूंगा। ये आपको नजर आ रहा है, और कवर लेटर का डिजाइन नहीं होगा भाई, क्या होगा, सोर्स फाइल दूंगा और एक पेज वाली सीडी बना के दूंगा, मुझे 2468 रुपए ये आपने देने हैं, ठीक है। अच्छा, यही वाला बंदा, अब आपको एक चीज थोड़ी सी मैं पहले ये बताऊं, थोड़ा मैं इसको जूम करता हूं। ये जो इसका टाइटल है, आई विल परफॉर्म प्रोफेशनल रिज्यूमे डिजाइन एंड सीवी डिजाइन, इसने 2319 ऑर्डर कंप्लीट किए हैं। इसका लेवल है 2, लेवल 2 का सेलर है ये, इसका नाम है। 3 ऑर्डर इसके क्यू में है, इट्स मीन ही इज अ बिजी वन। इसके 3 ऑर्डर अभी पेंडिंग में है, उसको कंप्लीट करेगा फिर आपकी बारी आएगी, ठीक है। तो आपके सामने है, इट्स अप टू यू कि आपने कितनी मेहनत करनी है, कितना टाइम देना है फाइवर के ऊपर। थोड़ा सा मैं आपको ये बता दूं कि ये हर मार्केट का ना कोई टाइम होता है, जिसको कहते हैं कि फलां सब्जी मंडी सुबह सुबह खुल जाती है, ठीक है। सुनियारे की दुकान जो होती है वो जरा नवाब बंदे होते हैं, 1-2 बजे आते हैं दुकान खोलने। ये मार्केट आपकी बाहर की है, ठीक है। ये आप इसकी ना गूगल पे जाके सर्च करिएगा, फाइवर किस कंट्री का है, किन्होंने बनाया है, इसराइल की प्रोडक्ट है, किसकी है, जो भी है, ये आपने बाद में सर्च करना है, ठीक है। यहाँ से आप इसके और सैंपल देखें, ठीक है। आप डिजाइनर का प्रोफाइल चेक करना चाहते हैं, थोड़ा नीचे आ जाएं, आप इसकी गिग को पूरा पढ़ें, ये अबाउट पूरा लिखना होता है, ठीक है। ये देखें, ये इसके रिव्यूज चेक करें आप, ये कॉन्टेक्ट मी का ऑप्शन यहाँ पे आ रहा है। अब ये उसकी कंट्री आ रही है, इस कंट्री से है और ये 2016 से काम कर रहा है, ठीक है। 2016 से इसके ऊपर काम कर रहा है, और लास्ट डिलीवरी जो इसने की है 3 घंटे पहले, और एवरेज इसका रिस्पांस टाइम है 1 घंटे। 1 घंटे के अंदर अंदर ये लोगों को रिप्लाई कर देता है, और ये इसने अपना थोड़ा सा पैकेज लिखा है, और थोड़ा सा नीचे आए ये इसके रेट्स हैं। वो कहता है बेसिक पैकेज मेरा ये है भाई, और स्टैंडर्ड पैकेज मेरा ये है, और प्रीमियम मेरा ये है। प्रीमियम के अंदर मैं 3 पेज वाला सीवी बना के दे रहा हूँ, और अ यूनिक कस्टमाइज्ड रिज्यूमे सीवी डिजाइन कवर लेटर डिजाइन इन अ वर्ड पीडीएफ एटीएस फ्रेंडली, ठीक है। एप्पल पेजेस पे भी चलेगा, सारा कुछ होगा, और नंबर ऑफ पेजेस इसके वो कह रहा है कि 3 है, इसके 2 है, इसका 1 है। 1 दिन के अंदर डिलीवर 2 दिन के अंदर। अब कोई बंदा ये सिलेक्ट करता है और कहता है 1 दिन में करो, तो ऑब्वियसली वो ऑटोमेटिकली उसके रेट ज्यादा हो जाएंगे, ठीक है। अब आपने थोड़ा सा खुद भी इसको एक्सप्लोर करना है। माशाल्लाह से आप सारे पढ़े लिखे लोग हैं, इंग्लिश आपको पढ़नी आती है, इसको देखें पढ़ें, क्लिक के ऊपर चीजें हैं, ठीक है। और ये इसने बताया कि लैंग्वेजेस कौन कौन सी इसको आती हैं, किन किन इंडस्ट्रीज में ये इसने काम किया हुआ है, और फाइल टाइप कौन कौन सी आपको ये दे सकता है। एडोब फोटोशॉप की दे सकता है फाइल, पीडीएफ बना देगा, वर्ड फाइल दे देगा, ठीक है। तो ये एक रिव्यू मैंने आपको दे रहा हूँ इसका। दूसरे नंबर के ऊपर यहाँ से भी आप चेक कर सकते हैं स्टैंडर्ड प्रीमियम और ये सारी चीजें। अच्छा, अब ये आप अगर चेक करते हैं कि इस बंदे ने और कौन कौन सी गिग्स बनाई हैं, तो मैं इसकी जरा जो इसका प्रोफाइल नेम है उसके ऊपर क्लिक कर लेता हूँ। ये ले जी, ये इसका प्रोफाइल खुल गया। इस बंदे की जो दुकान है उसके अंदर और कौन कौन से इसने काउंटर लगाए हैं, यानी और कौन कौन सी इसकी गिग्स हैं। ये बंदा सिर्फ और सिर्फ एक ही गिग के ऊपर काम कर रहा है, दैट्स इट। और उसके ऑर्डर्स आपके सामने हैं, 3 क्यू में लगे थे, और ये इसके रिव्यूज हैं। दीज रिव्यूज मैटर्स अलॉट, ये मैटर अलॉट करते हैं बहुत ज्यादा, ये कोई छोटी चीज नहीं है। इसमें टेक्निकल चीज बताता हूँ, ये भी फेक लोग डलवाते हैं। लोग कहते हैं ये 500 रुपया पकड़ो,
जाके वहां पे ऑर्डर दो मुझे, ठीक है, और एक अच्छा सा रिव्यू डाल देना और दैट्स इट। तो अगर शुरू में आपको इस तरह करना पता है, पड़ता है तो कर लो, और आपके जो बायर है ना, लाइक किसी फॉरेन कंट्रीज में कोई दोस्त सजन बेली बैठे हुए हैं, उन्हें आप कहें यार जरा ये मेरी आईडी है, सर्च करके मुझे ढूंढो, लिंक तो हो गए तो फंस जाओगे, आपका आईपी ब्लॉक हो सकता है, ठीक है। और एक कंप्यूटर पे दो फाइबर के अकाउंट चलाना आपके पहले वाले अकाउंट को भी खत्म करने के चांसेस को इंक्रीज कर देगा, ठीक है। आपने फाइबर चलाया एक लैपटॉप पे, उसी लैपटॉप के ऊपर आप जाकर एक और अकाउंट बना लेते हैं कि मेरा इधर भी ऑर्डर आ रहा है और मैं एक और दुकान खोल लूँ, एक और दुकान खोल लूँ, तो आप पहले से भी जाएंगे, ठीक है। तो ये काम नहीं करना। हाँ, ये काम आपके लिए है, आप इसके ऊपर अकाउंट बनाते हैं, अकाउंट बनाने के बाद आप लोग क्या करते हैं जी, उसी की मोबाइल ऐप है, मोबाइल ऐप के ऊपर इसकी डिंग का ऑप्शन ऑन कर लें, यानी रिंग, जब भी आपको मैसेज आएगा, आपको क्लाइंट ऑर्डर करेगा तो मैसेज की घंटी बजेगी, ठीक है, ऑर्डर आपको मिलेगा तो आप उसकी बीप ऑन कर दें, ठीक है। अच्छा, अब ये तो अभी मैं आपको समझा रहा हूँ कि फाइबर है क्या, फाइबर का क्या मैकेनिज्म है और किस तरह से ये वो सारा, ठीक है। एक चीज पहले बता दूं कि अगर आपने अपनी आंखों के नीचे डार्क सर्कल डलवाने हैं, ठीक है, आप फाइबर पे जरूर काम करें। अगर आप में पेशेंस बहुत ज्यादा है, आप फाइबर के ऊपर जरूर आए। मेरे में तो नहीं है, मैं नहीं करता, क्योंकि मेरे वैसे बाहर के और पाकिस्तानी क्लाइंट बहुत है, ठीक है, और मैं उतना करता हूँ जितना मैं इजिली कर सकूँ, और आगे छोटी सी एक टीम भी बनाई है और उनसे करवाता हूँ। बाकी ज्यादा मेरा ये पढ़ने पढ़ाने से लिंक है, क्योंकि आप अभी मेरे से भी क्वेश्चन ये करेंगे कि अपना भी आईडी तो दिखाएं जरा फाइबर का, आपने कितने पैसे कमाए, ठीक है। मैंने फाइबर से खुद पैसे नहीं कमाए, मैंने पार्टनरशिप्स की हुई है लोगों के साथ। लाइक जब मैंने शुरू में फाइबर पे अकाउंट बनाया था आज से कोई 7 साल पहले, तो मैं 3 माह लगा रहा था, मुझे कोई ऑर्डर नहीं था मिला। उसकी वजह ये थी मेरी इंग्लिश भी इतनी अच्छी नहीं थी, मुझे क्लाइंट को रिस्पॉन्स करना भी नहीं था आता, आगे वो क्या क्या रहा है उसकी अंग्रेजी समझ नहीं थी आती। ये बहुत ज़्यादा एक समझ लें गैप है, क्योंकि मैट्रिक इंटर के स्टूडेंट फाइबर सीख लेते हैं, उसके बाद जब गोरा आपसे कम्युनिकेट कर रहा होता है और आप बस उधर आपकी बस हो जाती है कि होने नमा की कमा गयो, फिर आप भागते हैं वो मैसेज लेके किसी अंग्रेजी वाले बंदे के पास, ये जरा ट्रांसलेट तो करके दो। लेकिन अब जमाना थोड़ा तेज है, गूगल ट्रांसलेटर आपके पास है, आप वहां से ट्रांसलेट कर लें, ठीक है। तो खैर, कुछ नसीबों की भी बात होती है, मेहनत की भी बात होती है, तो मैंने तो हिम्मत छोड़ दी थी। फिर उसके बाद ये था, काम आता था करना, तो मैंने कुछ दोस्तों ने मुझे ऑफर कराई कि हम अकाउंट्स लाते हैं और पार्टनरशिप कर लेते हैं 50% पे या 60-40 पे या 30-70 पे, काम तुम करोगे, ठीक है, और 70 तुम्हारे 30 हमारे। मैंने कहा ठीक है, ओके। तो इस तरह एक लड़की थी, उसका चल पड़ा था, उसकी गिग हिट हो गई थी, तो वो काम होता था इसका फोटोशॉप की एडिटिंग का, तो वो उसमें मैं अमेंडमेंट्स करता था, डिफरेंट टाइप ऑफ वर्क आते थे, और एक दिन में 4-4 ऑर्डर भी कंप्लीट किए थे, तो वो कमीशन के ऊपर इस तरह मैंने काफ़ी काम किए हैं, ठीक है। तो आप ये भी कर सकते हैं, अगर एक बंदा है उसकी कम्युनिकेशन अच्छी है, आप उसके फ़ोन में ऐप इंस्टॉल कर दें और उसे कहें ठीक है यहाँ पे तुमने गिग डालनी है। इसमें एक चीज़ ये है कि क्लाइंट आपको खुद ऑर्डर करें, खुद ऑर्डर तब आते हैं जब आपकी गिग रैंक होती है। इसमें आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आप अभी बताने लगा हूँ, जो मे बी आप में से किसी को शायद ना पता हो, ठीक है। अच्छा, आप लोगों के काफ़ी मैसेजेस भी साथ साथ आए हुए हैं, वो भी ज़रा पढ़ लेते हैं क्या क्या आप लोगों ने भेजा है। अच्छा जी, लेक्चर के एंड पे रिकॉर्डिंग मिल जाएगी? नहीं जी, रिकॉर्डिंग ही नहीं मैंने देनी, 2-2 रुपए लूंगा मैं सबसे रिकॉर्डिंग। सर आपने कहा था मैं दूंगा, 2 रुपए लूंगा, 2 रुपए एक रिकॉर्डिंग के। सर 2 रुपए लेते हैं आप, अच्छे लगेंगे। अच्छा जी, तो ये अब्दुल मजीद पूछ रहे हैं कि सर एक प्रोफाइल पे मल्टीपल स्किल्स ऐड की जा सकती हैं? बिल्कुल नहीं, आपकी प्रोफाइल खराब हो जाएगी हजरत। अच्छा, अब आप एक चीज समझ लें सारे, ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है,
पहली चीज ये है, आपने एक चीज सेलेक्ट की कि मैं लोगो बनाऊंगा, ठीक हो गया, आपने कहा जी मैं लोगो बनाऊंगा। अब आपने पंगा ले लिया 1 करोड़ लोगों से जो फाइबर के ऊपर ऑलरेडी हैं। आपको बात समझ आ रही मेरी? हेलो सर, दोबारा रिपीट करें, नहीं समझ आई, क्या कह रहे हैं? मैं ये कह रहा हूँ कि नदीम साहब फाइबर पे जाते हैं और फाइबर पे जाके उन्होंने लिख दिया, पहली गिग बनाई कि आई विल क्रिएट अ ब्यूटीफुल लोगो फॉर योर बिजनेस, और नदीम साहब ने पंगा ले लिया पूरे फाइबर के लोगो डिजाइनर्स लोगों के साथ, वो आपके कंपेटिटर्स हो गए हैं। थोड़ी सी बात समझ आई? अच्छा ठीक है। हाँ, अब एक और बंदा आता है, वो कहता है आई विल क्रिएट अ लोगो फॉर योर रियल एस्टेट बिजनेस, तो उसने पंगा ले लिया 10 लाख लोगों से, 1 करोड़ में से 90 लाख लोगों को उसने किक कराई, वो आ गया 10 लाख लोगों की तरफ जो सिर्फ रियल एस्टेट का लोगो बनाते हैं। फिर एक और बंदा आया, एक बंदा आता है सुलेमान, वो आगे कहता है आई विल क्रिएट अ 3D लोगो फॉर योर रियल एस्टेट बिजनेस, तो वो आ गया अब 10,000 वाली लिस्ट में। अब उसके कंपेटिटर हैं सिर्फ 10,000। तो जब किसी बंदे ने अगर लोगो उससे बनवाना है और उस बंदे ने फाइबर पे जाना है और वो वहां पे लिखेगा 3D लोगो फॉर रियल एस्टेट, तो ऑटोमेटिकली उसकी गिग टॉप पे आना शुरू हो जाएगी। अगर वो ये लिखेगा लोगो डिजाइन, तो उसका जो लोगो है वो करोड़वें हिस्से में जाके एंड पे शो होगा और वहां तक वो क्लाइंट नहीं जाएगा, वो टॉप 2-3 सर्चिस में से लोगो उठा लेगा, बंदा उठा लेगा। थोड़ी सी समझ आई आपको चीज की, क्या मैं चाह रहा हूँ बताना? जी सर, मतलब कि हमें स्पेसिफाई करना है कि हम लोग कौन से लोगो डिजाइनिंग में भी कौन सा पार्ट मैं चूज कर रहे हैं। आपको बहुत इंपॉर्टेंट बड़े गुर की बात मैं बताई है कि मुझे क्यों नहीं ऑर्डर मिलते थे, क्योंकि मैं हिशाम सरवर से भी मिला हूँ, रेहान अल्लाह वाला से भी मेरे सेशन हुए हैं, आजाद चाय वाला उससे भी मैं मिला हूँ, ठीक है, क्योंकि हम ये लाहौर का हमारा मीटअप आ रहा है, जहाँ पे मीटअप है हमारी अमेजोन की एक कंपनी है एजेंसी द टू सैलड के नाम से, तो वहाँ पे ये सारे लोग इकट्ठे होते हैं, आते हैं, बिलाल आफ्ताब वगैरह हो गए, ये एक्सट्रीम कॉमर्स की टीम वगैरह वहाँ पे लोग आते हैं, तो उन लोगों से मुलाकातें हुई हैं। अब आपको जो चीज़ समझा रहा हूँ, मैंने कंसल्टेंसी उन लोगों से की थी कि यार मैं फाइबर पे गया था, मेरा इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस है, तो मुझे उस टाइम पे क्यों नहीं ऑर्डर मिले, तो मैंने तो हिम्मत छोड़ दी थी। तो उन्होंने मुझे ये चीज़ समझाई थी कि आपने पंगा ले लिया था करोड़ों के साथ, आप खेलें हजारों के अंदर, हजारों के अंदर तब आप खेलेंगे जब आपकी नीच सेलेक्ट होगी। नीच कहते हैं एग्जैक्ट चीज जो क्लाइंट को चाहिए वो उस तक आए। जैसे फॉर एग्जांपल आपको मैंने कहा कि अच्छी डिजाइनिंग करने के लिए आपके पास DPI माउस होना चाहिए, DPI माउस, ठीक है। अब आप OLX पे जाते हैं, गूगल पे जाते हैं, वहां पे जाएंगे, उधर जाके लिखेंगे DPI माउस, तो आपको क्या नजर आएगा? DPI माउस नजर आएंगे, ठीक है, और आपको DPI माउस बेचने वाले नजर आएंगे। आपने वहां पे जाके लिखा आई नीड अ माउस, तो आपको तो लाखों माउस नजर आएंगे। तो जो बंदा DPI माउस बेच रहा वो बंदा भी मिसाल के तौर पर पिछले माह उसने अपनी वो शॉप ऑनलाइन क्रिएट की है, तो वो तो आपको मिलेगा भी नहीं, ठीक है। तो अगर आप ये लिखेंगे DPI माउस, तो आपको वो बंदे नजर आएंगे जो सिर्फ DPI माउस बेचते हैं। आपने अगर लोगो डिजाइनिंग करनी है तो आप लोगो डिजाइनिंग के अंदर आप लिखें किस बिजनेस के लिए करनी है। आप लिखते हैं जी आई विल क्रिएट अ लोगो फॉर रेस्टोरेंट्स, आई विल क्रिएट मिनिमलिस्ट लोगो फॉर रेस्टोरेंट, आई विल क्रिएट 3D लोगो, आई विल क्रिएट दिस लोगो फॉर एजुकेशन बिजनेस, आई विल क्रिएट अकेडमी लोगो, तो आपकी ऑटोमेटिकली गिग रैंक होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि जो बंदा जिसको जो रिक्वायर्ड है वो जाके अपने कीवर्ड डालता है। आपको स्पोर्ट्स शूज चाहिए तो आप वहां पे जाके सिर्फ शूज नहीं लिखेंगे या सैंडल नहीं लिखेंगे, आप स्पोर्ट शूज सर्च करेंगे सिंपल। तो ये बात बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना।
अच्छा अभी फाइकाश कूर का मैसेज है सर, अडोब पर पोस्टर्स फ्लायर्स के डिजाइन में कंफ्यूजन है, वो एक्सप्लेन कर दें, मोस्टली कौन से साइजेस यूज होते हैं? पहली या दूसरी क्लास में ये चीजें बताई थी कि पोस्टर साइज फेसबुक का डिफरेंट है, इंस्टाग्राम का स्केयर चलता है 1080, 1080, 1080, ठीक है, और फ्लायर बनाना है, कुछ भी करना है, गूगल पे जाएं, लिखें फ्लायर डिजाइन क्या है पिक्सल्स के अंदर, फेसबुक कवर पेज डिजाइन क्या है, यूट्यूब के लोगों का डिजाइन क्या है। रिसेंटली प्रॉब्लम सॉल्विंग वाले ग्रुप में ना पोस्टर भी शेयर किया था किसी बंदे ने, ठीक है, आप उसके अंदर भी देख सकते हैं, बल्कि गूगल पे लिखें ग्राफिक डिजाइनिंग साइजेस, तो आपके पास एक पूरी लिस्ट खुल जाएगी, ठीक है जी। तो अब चीज ये है फाइवर के ऊपर आईडी किस तरह बनानी है, ठीक है, तो आपको मैं ये एक चीज छोटी सी रिकमेंड करूंगा, बजाय ये कि मैं अपना दिमाग खपाऊं और आपको इधर एक घंटा लगा के मैं ये बताऊं कि गिग यूं बनेगी, और वो मैं बता भी देता हूं, मसला कोई नहीं है, गिग फौरन अप्रूव भी नहीं होनी, ठीक है, उसको अप्रूव होने में टाइम लगता है। अब मेरी ये वो वाली प्रोफाइल है जिसके ऊपर मुझे ऑर्डर नहीं थे मिले, ठीक है, और ये मैंने अपनी जिस ईमेल पे बनाए थे, आज मैंने वो अपनी ईमेल सुबह लॉगिन की थी, तो ये आप देख सकते हैं कि मैं 2015 से इसका मेंबर हूँ, और मैंने सुबह अपनी जो पुरानी गिग्स थी वो देख के मैं पहले हंसाऊँ कि अच्छा ये इस तरह के मेरे सैंपल्स डिजाइन थे, तो मैंने वो डिलीट कर दी। अब मेरा ये अकाउंट बिल्कुल खाली है, ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं है, मैंने डिस्क्रिप्शन और ये सारी चीजें जितनी भी हैं सब कुछ उड़ा दिया, खाली कर दिया, ठीक है, ये समझ लें कि एक खाली दुकान आपके सामने है। अब इस दुकान को किस तरह से बढ़ना है और कैसे करना है ये आपके बिल्कुल सामने अभी करने वाला हूँ। यहाँ पे आप लिखें जी क्रिएट अ न्यू गिग। अच्छा, पहली बात आपने अपनी इसके ऊपर फोटो लगानी है, ठीक है, फोटो लगानी है आपकी मर्जी, नहीं लगानी है आपकी मर्जी, ठीक है, इट्स अप टू यू, लगाएंगे ज्यादा अच्छा है, नहीं लगाएंगे थोड़ा सा कम अच्छा है, ठीक है। अच्छा, और जो लगानी है वो आपने इस तरह की लगानी है कि वो फोटो लगे प्रोफेशनल और आपका मुंह नजर आए, ठीक है, इस तरह नहीं लगानी कि आप वो पहाड़ के पीछे खड़े हैं और आपने वो फोटो लगा दी है और आप नजर ही नहीं आ रहे, ठीक है। अब मेरी ये बड़ी बड़ी ही एक पुरानी फोटो लगी है जवानी की, तो पीछे मैं किसी ये मैरिज हॉल में कर रहा हूँ, अब मैं अगर इसको चलाऊंगा तो मैं सबसे पहले फोटो चेंज करूंगा यहाँ पे, ठीक है। और अब यहाँ पे देखें, ये लॉगिन कर लिया मैंने, सिंपल आपकी जीमेल आईडी के ऊपर ये अकाउंट रजिस्टर्ड हो जाएगा और इसको आप साइन इन करेंगे, अकाउंट बन गया। अकाउंट बनने के बाद आपने यहाँ पे क्लिक किया क्रिएट अ न्यू गिग पे आप लोग जाएंगे। सर पहले सना से माइक बंद कर रहा है। एक मिनट जी। मिसना आपको हमारी आवाज आ रही है? अच्छा जी, ओके ओके जी, ये छह स्टेप हैं जी। पहला स्टेप ओवरव्यू, दूसरा स्टेप प्राइसिंग डिसाइड करेंगे, तीसरा स्टेप डिस्क्रिप्शन डालेंगे, चौथा स्टेप रिक्वायरमेंट अपनी बताएंगे, पांचवा स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि आपने पहले एडोब फोटोशॉप में अपनी दुकान के पर्दे और अपनी दुकान की डेकोरेशन और उसके जो कवर पेजेस हैं अच्छे अच्छे खूबसूरत से, जिस तरह आप सजाते होते हैं चीज़ों को, वो सजा सजू के आपने पहले रख लेनी है, वो अपलोड करनी है यहाँ पे। और उससे भी पहले जो आपने काम करना है, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि आप लोग गूगल पे जाएंगे, यहाँ जाके आप लिखेंगे फाइवर गिग ऑलमोस्ट यूट्यूब के थंबनेल के साइज जितना है। अगर इसका साइज 1280 है ना, तो उसकी भी विड्थ तो सेम ही है, लेकिन हाइट उसकी मेरे ख्याल 720 है और इसकी 759 है, ठीक है जी। अच्छा, तो अभी एक साथ क्वेश्चन ले लेते हैं। अब्दुल मजीद कह रहे हैं जी सर आपकी बात सुनकर सवाल ये है कि हम लोग लोगो डिजाइन स्किल के साथ प्रोफाइल बनाते हैं,
लेकिन गिग स्पेसिफिक कर सकते हैं, मतलब कौन कौन सा लोगो बना सकते हैं, ये गिग्स कर सकते हैं? जी बिल्कुल कर सकते हैं, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि आप डिफरेंट टाइप ऑफ लोगो की गिग डाल दें। आपने अगर लोगो डिजाइनिंग की करनी है, आप डाल दें वहां पे, मैं 3D लोगो की एक बना दें, एक मिनिमलिस्ट लोगो जो बिल्कुल सादा सिंपल सा होता है, ठीक है, और एक आप लगा दें एजुकेशन के लिए, फूड बिजनेस के लिए लगा दें, रियल एस्टेट के लिए लगा दें, कोऑपरेटेड बिजनेस देखें कौन कौन से हैं। थोड़ी मगजमारी करनी पड़ेगी आपको इस काम के लिए, फ्रीलांसिंग नॉट इजी, ठीक है, लेकिन नामुमकिन कुछ नहीं है, एवरीथिंग इज पॉसिबल। अच्छा अब ये है जी हजरत ओवरव्यू, गिग का टाइटल, आपने टाइटल क्या देना है, यहाँ पे लिखें आई विल डू दिस मैक्सिमम 80 लफ्ज, 80 वर्ड्स, आई विल डू समथिंग, आई विल, फाइबर ने लिख दिया, आप लिख दें आई विल डिजाइन 3D लोगो फॉर स्कूल, दैट्स इट। स्कूल वाला समझ जाएगा कि ये बंदा सिर्फ स्कूल को बनाता है, तो एक्सपर्ट होगा। अगर आप लिख देंगे आई विल क्रिएट 3D लोगो, स्कूल वाले ने तुसी नजर भी नहीं आना, बहुत नीचे चले जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखें कैटेगरी आपने क्या रखनी है, ग्राफिक डिजाइनिंग है ऑब्वियसली, किस कैटेगरी में आ रहा है उसकी, लोगो डिजाइन में आ रहा है, क्लियर हो गया। अच्छा किस वाली में आ रहा है, ये लोगो डिजाइन की कैटेगरीज है, 3D है, विंटेज है, हैंड ड्रॉन है, कार्टूनिक लोगो है, मिनिमलिस्ट लोगो है, वाटर है, सिग्नेचर है, लेटरिंग है, ज्योमेट्रिक है, मॉडर्न है। आपको अगर इन चीजों का नहीं पता तो फाइवर को दोबारा खोलें और नए टैब में चले जाएं, यहाँ पे आप ग्राफिक डिजाइनिंग में जाएं और इधर जाकर लोगो डिजाइन में जाएं और यहाँ जाकर एक एक टाइप को सर्च करके ढूंढें, देखें कि अच्छा ये विंटेज होता है, अच्छा ये वाला ये होता है, हैंड ड्राइंग वाले लोगो इस तरह के होते हैं, आपको खुद ही पता चल जाएगा आप ये बना सकते हैं या नहीं बना सकते। नहीं बना सकते सीखें, ट्राई करें, बनाएं, टूल्स वही हैं जो आपको सिखा दिए, बाकी आपकी मेहनत है, सिंपल। अच्छा अब यहाँ पर ये हो गया, कैटेगरी आपने सेलेक्ट कर ली, लाइक ये 3D मैंने डाला था, 3D कर लें, 3D पे आके यहाँ पे आप डालते हैं टैग्स। नाउ द टैग्स आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ योर गिग, लाइक फॉर एग्जाम्पल आपने लिखा यहाँ पे ऊपर स्कूल 3D लोगो डिजाइन, तो टैग यहाँ पे पहला टैग आएगा, 5 टैग लगाने हैं आपने, ठीक है, ये लिखा नीचे, कंप्यूटर ऐसी चीज है खुद बता रहा होता है कि ये करना है, ये इंग्लिश लिखी है, बस पढ़ना आपने क्या कह रहा है वो। लिखे यहाँ पे डिजाइन, कौन सा डिजाइन, 3D डिजाइन, लोगो कौन सा, 3D लोगो, इधर लिख दें स्कूल, हाई स्कूल, ओके स्कूल लोगो लिख दें, नहीं आ रहा कोई बात नहीं, आप लिख दें लोगो डिजाइन, इस तरह आपके पास लोगो मॉकअप लिख दें। इन इन चीजों को लोग अगर सर्च करें तो आपका प्रोफाइल टॉप पे आए, ये है टैग, ठीक है। इधर आप लिख दें जी आई डिक्लेयर डैट के मैंने जो भी ऊपर किया है वो ठीक किया है, एग्री करें और इसको कर दें सेव एंड कंटिन्यू। इसको कभी भी आप चेंज कर सकते हैं, अपने प्रोफाइल को कभी भी आप चेंज कर सकते हैं। लोगो टाइप भी इसको बतानी है, मोनोग्राम है, वाटर वर्ड मार्क है, पिक्टोरियल एब्स्ट्रैक्ट है, ये वो क्या है, तो दिस इज मोनोग्राम। फाइल फॉर्मेट आप कौन कौन सा प्रोवाइड करेंगे, एडोब इलस्ट्रेटर की फाइल देंगे, JPG भी बना देंगे उसको, PDF भी करके दे देंगे, PNG भी करके दे देंगे, EPS फॉर्मेट भी दे देंगे उसको, SVGA भी दे देंगे, सारे डाल दें, CDR ना करें, CDR कोलड्रा का फॉर्मेट होता है, PSD फोटोशॉप का होता है, और डेट्स इट, सेव, ठीक है जी। 2 मिनट रह गए हैं और बस आगे जो मेन चीज है वो बता के तो फिर इंशाल्लाह सेशन एंड हो रहा है। और आप लोगों से बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट करनी थी, वो ये है कि आपने इस कोर्स का मुझे रिव्यू देना है इन द फॉर्म ऑफ वीडियो, क्योंकि मैंने उसको इंस्टाग्राम पे लगाना है, एज यू ऑल नो कि दिस इज माई फर्स्ट टाइम, फर्स्ट एक्सपीरियंस फॉर द ऑनलाइन क्लासेस। मैंने ऑनलाइन इस तरह के सेशन फर्स्ट टाइम किए हैं और आप लोगों पे ट्राई हुए हैं और मुझे तो बहुत अच्छा लगा है पढ़ा के। और बाकी ये है कि अगर आप अपना 30 सेकंड का या 15 सेकंड का वीडियो बना के बोल के अगर
उसमें फीडबैक रिकॉर्ड करवा देंगे तो आई विल बी वेरी ग्रेटफुल एंड थैंकफुल टू यू. और उसको मैं अपने इंस्टाग्राम पे स्किल्स अप एकेडमी पे लगाऊंगा, क्योंकि अगर आप लोग चाह रहे हैं कि आप लोग भी स्किल सीख के कमाएं, तो मैं भी चाह रहा हूं कि मेरा भी स्किल्स अप का ब्रांड ऊपर जाए, और वो जाएगा आप लोगों की हेल्प के साथ, आप लोगों के रिव्यूज के साथ और आप लोगों की मोहब्बतों के साथ. ठीक है जी. तो नेक्स्ट प्राइसिंग डिसाइड आप करेंगे. प्राइसिंग डिसाइड यानी आपका बेसिक पैकेज, उसका नाम आपने क्या रखना है, आप यहाँ पे कुछ भी रख दें. स्टैंडर्ड का नाम क्या रखना है, कोई भी नाम रख दें, सिल्वर, गोल्डन, ब्रॉन्ज एक्सेट्रा. डिस्क्राइब योर गिग, डिस्क्राइब. अब ये डिस्क्राइब करना आपको नहीं आता, यहाँ पे जाओ किसी का भी प्रोफाइल खोलो, उसकी डिस्क्रिप्शन देखो क्या लिखी है, उसका मिलता जुलता लिख लो. कॉपी पेस्ट करना है कॉपी पेस्ट कर लो, नो इशू. ठीक है. अब यहाँ पर इसका क्या है, इसके नाम ये हैं, इसकी डिस्क्रिप्शन ये है. ठीक है, आप उठा लें. ठीक है, नहीं उठाना आप लिख सकते हैं, इस काबिल हैं खुद लिखें, वो सबसे अच्छा है. डिलीवरी टाइम क्या है, ठीक है, तीनों गिग्स का चूज कर लें, और क्या क्या करेंगे, पहले गिग में कौन कौन सी ऑप्शन देंगे नहीं देंगे, रेट क्या है, और एक्स्ट्रा अगर किसी ने जैसे पिज्जा खाए ना, तो उसके कहते हैं एक्स्ट्रा टॉपिंग के लिए 10 रुपये और निकालो. तो इस तरह आप अगर वो